राजस्थान के ढींडवाना की बात करेंगे। विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, इसके साथ ही प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। वहीं ढींडवाना में जिला निर्वाचन अधिकारी ने तमाम राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों के साथ में बैठकर चर्चा की। उन्होंने आचार संहिता की तमाम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निर्वाचन अधिकारी जीतू कुल्हारी ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जाने में सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग ने सभी के लिए एक कंडक्ट, अपना बिहेवियर कैसे हो चुनाव के दौरान, उसके लिए सभी व्यक्तियों के लिए ये निर्धारित की है, जिसमें हमने आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर जो 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में पालना होनी चाहिए, उसमें 24 घंटे के अंदर सभी जो सरकारी संस्थाएँ हैं, गवर्नमेंट जो परिसर हैं, उनसे सारे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग है वो हट जाने चाहिए, वो हमने हटा दिए हैं। 48 घंटे में कोई भी पब्लिक प्लेसेस से ये सब हट जाने चाहिए और साथ ही 72 घंटे में प्राइवेट प्रॉपर्टीज से ये सब होर्डिंग, पोस्टर, बैनर से वो हट जाने चाहिए। उसके लिए हमारी टीम है, वो सब तैनात है। और साथ ही इसमें जो भी चुनाव प्रचार इस दौरान किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, उनके भी इसमें आचरण नियम आचार संहिता के तहत निर्धारित किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा कोई भी रैली, जुलूस, जनसभा है या कोई रोड शो है, उसकी पूर्व में परमिशन है वो जरूरी होगी। परमिशन के बाद ही उनको इसका आयोजन का है वो अनुमति होगा। अगर इन सब का पालना नहीं किया जाता है तो चुनाव आयोग ने IPC की धाराओं और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उनकी बहुत सारी धाराओं के तहत इसमें विभिन्न तरीके से पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, FIR भी दर्ज होती है और इसमें प्रॉपर कार्रवाई के तहत कई कई कैंडिडेट्स को कई बार इसमें चुनाव से भी डिबार किया गया है। तो सभी से आग्रह है कि चुनाव की आचार संहिता है उसका अक्सर से पालना करें, ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव है वो करवाए जा सके।